हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी लाइक मी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉनसून स्किन केयर फेस पैक। सो हमारी स्किन को फेस पैक की क्यों ज़रूरत होती है? फेस पैक अप्लाई करने से हमारी स्किन में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो रिमूव होती है। हमारी स्किन जो है वो डीप तक क्लीन होती है। इसके अलावा हमारे जो पोर्स होते हैं अनक्लॉग होते हैं। हमारी जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अनइवन स्किन, जिनके भी फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम्स है, वो सब इससे रिड्यूस होती है। सो मेक श्योर कि आप फेस पैक को वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई करें अपने फेस के ऊपर। आज मैं फेस पैक बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ सिट्रो पाउडर। ये जो सिट्रो पाउडर है ये मुझे मेरे जुलाई एडिशन के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिला था। और इसके अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही यूजफुल इंग्रेडिएंट्स है। लाइक इसमें आपको मिलता है कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा ये बहुत ही प्रीमियम और एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है। इसमें आपको मिलता है रोज पेटल पाउडर, जो कि हमारे स्किन को ब्राइट ग्लोई लुक देने के लिए हेल्प करता है, यानी कि आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। इसमें है ऑरेंज पिल पाउडर, जो कि आपके स्किन के दाग धब्बों के मार्क्स थे उनको ये रिड्यूस करेगा। और अगेन इसके अंदर है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, जो आपके स्किन को सेम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। सो चलिए देखते हैं कि ये फेस पैक हम कैसे बनाएंगे। सो ये जो फेस पैक है, इस पे आपको डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आप ये फेस पैक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस फेस पैक को कैसे आप अप्लाई करोगे अपने फेस के ऊपर। सो ये जो सिट्रो पाउडर है, अब हम इससे बनाएंगे एक फेस पैक, जिसके लिए मैं इसको करने वाली हूँ रोज़ वाटर के साथ में मिक्स। और इस पे इसके अलावा दिए हुए डायरेक्शन आपको उसको बस फॉलो करना है। आप इसको चाहो तो रोज़ वाटर के साथ में भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप इसको हाइड्रोजोल के साथ में भी यूज़ कर सकते हो। तो जिसको नहीं पता है कि हाइड्रोजोल क्या होता है, सो हाइड्रोजोल एक स्टीम डिस्टिल्ड प्रोसेस है, जिसमें प्लांट या फ्लावर्स के थ्रू ऑयल या फिर उसका वाटर जो है निकाला जाता है। सो आप हाइड्रोजोल यूज करो या फिर रोज वाटर यूज करो। मैं रोज वाटर यूज करने वाली हूँ। सो चलिए हम देखते हैं कि ये फेस पैक कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हो और इसको अप्लाई करने के बाद में मेरे स्किन का जो रिजल्ट था वो क्या आया। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। सो मैंने अपने हेयर्स को टाई कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैं फेस पैक अप्लाई करूँ तो मेरे वो बालों पे भी लग जाए। सो आप भी अगर फेस पैक अप्लाई करते हो तो मेक श्योर आप अपने हेयर्स को टाई कर लो अच्छे से। सो अब हम सबसे पहले इस पैक को कट करेंगे। मैं एक सीजर के हेल्प से इसको कट कर लूँगी। अब मैं इसमें से जितना मुझे अपने फेस के अकॉर्डिंग इसमें जितना भी प्रोडक्ट मुझे लगने वाला है एक बाउल में मैं उसको निकाल लूंगी। है मेरे फेस के लिए इतना प्रोडक्ट काफी है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं रोज वाटर। सो मैं इतना ही इसमें रोज वाटर ऐड करूंगी कि जिससे एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए, ताकि मैं फेस के ऊपर उसको पूरा स्प्रेड कर सकूं। सो मैं एक स्पून की हेल्प से इसमें रोज वाटर ऐड कर रही हूँ। सो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून रोज वाटर ऐड किए हैं। और अब मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि हम फेस के ऊपर इसको अच्छे से लगा सके। तो ये जो फेस पैक है अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको फेस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। कर लिया है अपने फेस के ऊपर, और ये मेरे आईब्रोज पे भी थोड़ा सा लग गया है और लिप्स पे भी। अब हम इसको टोटल 15 मिनट के लिए रहने देंगे, और इसके बाद में हम अपना फेस जो है वो वॉश कर लेंगे। सो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। सो फेस पैक जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि मेरे चीक और नोज के पास बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है, लेकिन जो मेरा नेक है वहां से ये बिल्कुल ही गीला है, मतलब ये ड्राई नहीं है। और मेरे लिप्स जो है वो इससे बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। सो मैं एक टिप दूंगी आपको, अगर आप यूज़ कर रहे हो कोई भी फेस पैक, तो आप मेक श्योर अपने लिप्स के ऊपर अच्छा लिप बाम लगा लीजिए, ताकि आपके जो लिप्स है वो हाइड्रेटेड रहे। और या तो फिर हम वेट करते हैं, और अभी से 5 मिनट्स हुए तो ये अभी ड्राई हो चुका है, और मैंने अपने हेयर लाइन के ऊपर भी थोड़ा सा लगा लिया है इसको। सो मैं इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने दूंगी, क्योंकि देखो अभी मुझे इचिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको कोई भी फेस पैक को कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है अपने फेस के ऊपर, अदरवाइज आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ड्राई हो जाएगी, उसमें बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं रहेगा। इसको क्लीन कर लेती हूँ और फिर हम मिलते हैं।
तो मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया है और फेस वॉश करने के बाद में जो फेस का ग्लो है कितना हेल्दी और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्राइट सा कलर आ चुका है फेस के ऊपर। सो मेक श्योर अगर आपने अपना सिट्रो पाउडर यूज किया है तो उसको आप अच्छे से स्टेपल कर लीजिए इस टाइप से। आपको बिल्कुल भी इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, एयर टाइट कंटेनर में ही इसको रखना है। सो जो ये सिट्रो पाउडर है इसकी जो प्राइस है वो है 250 रुपीज़, इसमें आपको 100 ग्राम की क्वांटिटी मिलती है और इसकी जो एक्सपायरी डेट है ये 3 ईयर्स की है। सो आप इसको कितना यूज़ करते हो ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड है, ये आपको लेकिन बहुत ज़्यादा चलेगा। सो मैंने एक पूरा स्पून लिया था अपना फेस पैक बनाने के लिए। सो आप इसको बड़े स्पून से हाफ स्पून लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो एक स्पून से यूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा बन चुका था फेस पैक। सो मुझे अपनी सिस्टर को भी देना पड़ा, उसने भी उसको यूज़ किया। सो आप इसको हाफ टी स्पून यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के चलेगा। इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है 100 ग्राम की। सो आप इसको अमेजोन से बाय कर सकते हो या फिर इनकी जो खुद की वेबसाइट है फैकोन, आप उनकी वेबसाइट से भी इसको बाय कर सकते हो। सो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ऐसी वीडियोज देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय। You sing it, hey mama, don't stress your mind.